अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। तो मैं कौन सा नाश्ता बना रही हूँ? पोहे का मैं आज बना रही हूँ पोहे। तो मैंने ये पोहे ले लिए, तो आपको जितने चाहिए उतने आप ले सकते हो। ये देखिए मैंने इतने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे दो पानी से हम इसे धो लेंगे। मैंने इसे दो पानी से अच्छे से धोया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, तब तक हमारी ये आगे के हम देखते हैं क्या करना है, तब तक हमारी अच्छे से फूल जाएगी ये पोहे। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ली है मूंगफली ली है, ये मेरी थोड़ी भुनी हुई है, पर हम इसे दोबारा से भून लेंगे ताकि हमारे ये पूरे छिलके निकल जाए। तो मैंने गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखी है, इसमें हम ये मूंगफली डाल देते हैं और इसे अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। अगर आपकी भुनी हुई नहीं होगी तो आप भून लेना। ये देखिए ये हमने अच्छे से भून लिए, देख लेना कैसे हो गई। ये ऐसा किए तो ये इसके छिलके निकल रहे, मतलब हमारे ये अच्छे से भून कर हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिए हैं, अब हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। देखिए इसके मैंने छिलके निकाल लिए, जितने निकलते हैं उतने ही निकाल लेना, बाकी ऐसे रह गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी हो गए तो। ये हो गया, अब हम पोहे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम सबसे स्टार्ट में डालेंगे ये ऑयल डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है जीरा लिया है, वो हम डाल देंगे। आप इसमें जीरे के साथ राई भी डाल सकते हो, पर हम इसमें राई नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं पोहे में राई डालती नहीं हूँ, सिर्फ जीरा डालती हूँ, तो मैंने वही डाला है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक करी पत्ता लिया है, वो हम डाल देंगे। ये मैंने दो प्याज लिए छोटी छोटी, उसको चॉप किया है, वो डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसके अंदर इसे घुमा लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, उसे भी चॉप किया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप कर देना, पर टमाटर से पोहे में अच्छी टेस्ट आती है। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली है, उसे चॉप किया है, वो डाल देंगे। हरी मिर्च आपके टेस्ट लेना, तीखा कैसा है कैसे नहीं, वो इससे फिर आप हरी मिर्च डालना। अब हम इसमें ये मूंगफली डालेंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है, ये चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें ये हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है मैंने। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक स्टार्ट में कम ही डालना, फिर बाद में टेस्ट करके फिर लगा तो फिर डाल देना उसके अंदर। अब हम पोहे डाल देंगे। ये देखिए पोहे हमारे कितने अच्छे से फूले फूले हो गए हैं। इसको पूरा हम छुट्टा कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे ये पोहे डाल देंगे। इसे पूरा अब हम मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से ही करना है। और साथ ही हम इसके अंदर ये थोड़ा हम हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए मैंने पूरा मिक्स किया है। अब यहाँ पे जो रोटी बनाते हैं वो वाला तवा, लोहे वाला तवा मैंने नीचे रखा है, गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा है। अब हम इसे ढक करके रख देंगे। हमारा ये तवा गर्म हुआ तो मैं गैस की फ्लेम को स्लो पे कर दूंगी, फिर हम इसे 10 मिनट रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि हमारे ये पोहे हो गए हैं।
अब मैं इसे निकल लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने कुकुम्बर रखा है, टमाटर रखा है स्लाइस करके, नींबू भी है। अब हम इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम थोड़ा नींबू निचोड़ लेंगे। मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, नमक भी सही है। पहले थोड़ा कम था, फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा गैस पे रखने के टाइम पे कढ़ाई में, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। अब परफेक्ट हुआ है, नमक हरी मिर्च पूरा परफेक्ट है। आप भी ज़रूर इसे बनाना। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।